लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पंजाब पुलिस का एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, और खुलासा ये है, जानकारी मिल रही है कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर हमले की दूसरी बार साजिश रची जा रही थी। गोल्डी बराड तैयार कर रहा था ये पूरा प्लान पंजाब पुलिस के मुताबिक। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी भी की गई थी, उनको निशाना बनाने की पूरी साजिश रची गई थी और मूसेवाला हत्याकांड से पहले ये प्लान तैयार हुआ था। ये बड़ी खबर। सीधा रुख करेंगे अरविंद ओझा का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जो चुके हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या है इस वक्त अपडेट? देखिए मैं आपको बताऊं आशुतोष, जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर है, स्पेशल सेल के एचजीएस धानीवाल, उन्होंने आज तक से बातचीत पे सलमान खान को टारगेट करने का जो प्लान टू था, प्लान बी लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी का, उसका खुलासा किया है। दरअसल नेपाल से कपिल पंडित, जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में वांटेड था, उसे जब पकड़ करके भारत लाया गया और उससे पूछताछ की गई, तो उसने खुलासा किया कि सलमान खान का जो फार्म हाउस था पनवेल में, वहां पर कपिल पंडित एक शूटर, दूसरा जिसे अभी विदेश में अरेस्ट किया गया है वो सिर्फ, और एक महाराष्ट्र का गैंगस्टर था संतोष जाधव, ये तीनों सलमान खान के पनवेल के फार्म हाउस कर रहे थे। छोटे हथियार इनके पास थे, यहाँ तक कि सलमान खान के जो फार्म हाउस था उसके गार्ड तक से दोस्ती कर ली गई थी। सलमान खान गाड़ी से आते हैं फार्म हाउस के पास, उनकी गाड़ी की स्पीड कितनी होती है, चूंकि हिट एंड रन जो मामला आया था उसके बाद उनकी गाड़ी काफी स्लो होती है और फार्म हाउस के आसपास का जो इलाका है काफी सड़क वहां की खराब है, तो वहां कितनी गाड़ी की स्पीड होती है, इन तमाम चीजों की रेकी की गई। और जो फार्म हाउस था उसके पास शूटरों ने कमरा किराए पर लिया और प्रॉपर रेकी थी, लेकिन वो किसी तरह से अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये दिखाता है कि किस तरीके से बिश्नोई गैंग हाथ धोकर सलमान खान से पड़े हुए, पहले एक बार प्लानिंग की गई थी। अरविंद, आप अपनी बात को पूरी करिएगा, और इस बीच स्पेशल सीपी धालीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया हम सुन लेते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। सलमान खान को मारने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हमारे साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर एचजीएस धालीवाल साहब मौजूद हैं। सर, ये क्या नया खुलासा है सलमान खान को मारने को लेकर? देखो, ये पहले भी हमने बताया था कि जब प्रीवियस अरेस्टिंग हुई थी तो संपत नरक इंटरोगेशन से पता चला था कि उन्होंने रेकी करी थी और काफ़ी लेबोरेट प्लानिंग थी। संपत के अरेस्ट होने के बाद राइफल और पिस्टल वगैरह भी रिकवर हुए थे, और इस साल सिद्धू वाले केस की इन्वेस्टिगेशन में इनके एक सिंडिकेट का मेंबर था जिसका नाम संतोष जाधव था, तो जब स्पेशल सेल ने उसको वन ऑफ द प्रोबेबल जो लोग इस असैसिनेशन में शामिल हो सकते थे उनका जब जीरो डाउन किया, तो महाराष्ट्र पुलिस से हमारी काफ़ी इसमें कोऑर्डिनेशन रही। महाराष्ट्र पुलिस ने उसको एक प्रीवियस केस में मकोका के वारंट पेंडिंग थे उसमें संतोष जाधव को अरेस्ट किया। संतोष जाधव के अरेस्ट और उसके जो साथी थे नवनाथ चंद्रवंशी और एक महाकाल था, तो उनकी जो तमाम क्वेश्चनिंग हुई, इंटरोगेशन हुई, हमारी टीम्स ने भी ज्वाइंट इंटरोगेशन करी थी, तो उससे ये सामने आया था कि इन्होंने अर्लियर प्लान के बाद भी उसमें दोबारा भी काफ़ी रेकी वगैरह करी है। और जब कपिल पंडित और दीपक मुंडे की अरेस्ट हुई, जो ज्वाइंट एक टीम वर्क था पंजाब पुलिस के साथ, तो उससे फर्दर ये पता चला कि सचिन बिश्नोई जो था और कपिल पंडित था, एक इनके साथ संतोष जाधव था, तो ये भी कुछ महीने पहले इन्होंने दोबारा से उसके फार्म हाउस एरिया की रेकी करी है। तो ये सर, जो कपिल पंडित है, संतोष जाधव और जो विदेश में भी डिटेन हुआ है सचिन, इन तीनों ने पनवेल के फार्म हाउस पर रेकी करी। स्पेशल सीपी दिल्ली एचजेएस धारीवाल को सुन रहे थे, सलमान खान को निशाना बनाने की तैयारी थी। शुक्रिया अरविंद, हमारे साथ जुड़े हुए थे जानकारी के लिए।